नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी रावत और मुझे यकीन है आप सभी ने मक्की की रोटी के बारे में सुना होगा, लेकिन सिर्फ पंजाब वाली मक्की की रोटी और सरसों का साग। लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी एक मक्की की रोटी बनाई जाती है जिसको हम गढ़वाली में मुंगरी का रोटबल दवा, जिसको हम गढ़वाली में मुंगरी की रोटी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम वो कैसे बनाते हैं। और वैसे हमारे जो उत्तराखंड में भी ऐसे ही कई तरह तरह के पकवान बनते हैं जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और वो इस तरह से बनाए जाते हैं जिनको कि काफी लंबे समय तक स्टोर भी किया जाता है और खाया भी जा सकता है। जैसे कि अड़से थे, तो अड़से जो है वो लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें खा सकते हैं। और वैसे ही जो मक्की की रोटी है उसको भी हम 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो तेल में थोड़ा सा फ्राई होती है, इस वजह से वो तेल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हमारे उत्तराखंड में ऐसे कई स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान है लेकिन उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिली है जैसे कि और राज्य के पकवानों को मिलती है। और आप सभी ने जैसे कि मंडवे की रोटी तो सुनी ही होगी, लेकिन फिर भी हम इसको छुपाते हैं क्योंकि ये एक तरह से काली कलर की होती है, लेकिन लोग इसको छुपाते हैं कि नहीं दिखाना है, लोगों को शर्म आती है इसको दिखाने में। और अपने जो गढ़वाल के पकवान है उसको मुझे नहीं पता कि इनको पहचान क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि जो हमारे उत्तराखंड के ट्रेडिशनल पकवान होते हैं उनको लोगों तक पहुँचाना और बताना। तो प्लीज़ आप सब भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ रेसिपी और ये बताएंगी मेरी मम्मी, उनको ज्यादा अच्छे से पता है। वैसे तो मुझे भी बनाना आता है लेकिन मम्मी ज्यादा अच्छा बनाती है। सो स्टे ट्यून विद अस। ये मरतुंगड़ा मुंगरी थे, मरतुंगड़ा मुंगरी ब्याह लाल बीजी मिले, ये ब्याह लाल बीजी मिले और मैं पिछला घड़ी था ये कौन छो पिछला नुका नहीं मिलता यार। ये रोटी बनाने ये मैं हरी मिर्च बनाने छो, हरी मिर्च बनाने छो, अरे लहसुन लहसुन भी डालने छो। हम मिले मिक्स में कुछ नहीं, पहले हम सिलो टम पीस दे छाए ना पर अभी पर जल जल्दी होने चल, तो ये भी मिले मशीन में पीस नहीं। अब हम लिए मन्ना मूंग मिर्च मिलाने, ये धनिया पाउडर से, ये नमक, नमक हल्दी मिर्च मिर्च आधा डाली भी चीज़ कम डालनी मिले बस ये चीज़ थोड़ा देर इन करें, इनके बहुत अच्छे होंगे फूल देने और रोटी फूल देने तक। ज्यादा पतुल भी नहीं करोनी ये थई, ज्यादा पतुल ना थी बस नॉर्मल अब थी। अब बनेगी रोटी चना तन। साल पहले बनाया थी तो हम पहले खाने बनाए पितरों को, नए नए चीज खाने देने पितरों को बनाया पितरों। आहा नमस्कार दगड़ियो, ये छी मुंगरी का रोटा जो कि बहुत मेहनत से बनाया जाती अपर गढ़ वाला कि ये इन मेहनत लगा दो कि पहले मुंगर हमारे चलना मतलब मुंगरी छिलना हमारे पहले
वैक बाद इधर मेहनत लगा दे माँ कि अंगूठों को जो नाखून होंगी वो भी टूट जाती गहराई तक चले जा फिर भी लोग वैसे चलना रही चलने के बाद वैसे पीस दी लोग ये थे सिलोटम पीस दी पहले थे चल दी फिर सिलोटम पीस दी किले की गढ़वाल में मिक्सी वगैरह कुछ नहीं हुई तो सिलोटक यूज कर दी वो लोग मतलब हम लोग मैं तो नहीं करूँ तो बट मेरी बुए कर किले की मेरे को भी काया नहीं पर हाँ मैं कोशिश करूँ सीखने की और वह के बाद ये थे तवम बढ़ दी इन फैला के बढ़ दिए थे और फिर वह मैं इधर मेहनत लगा तो वह फिर पलटा आंदा छी तब कदा ही मेहनत और तब फिर हम लोग खाना छो तो बहुत ही स्वादिष्ट छी आप भी ट्राई करे दोस्तों और ये जरूर खाया आहा और कदा चल मिलू हूँ बहुत ही मजा आएगा बहुत ही मजा चलो दगड़े नमस्कार कद का टाइम बाद खाना चाहो तुम ना हूँ तो मैं हर साल बना ना पर ये साल में अभी बने हर साल बना ना हम बना चाहे पकौड़ी बना ना मूंगरी का ये हमारे खुद एक मूंगरी चाहिए या खमचा हमारे मूंगरी ढंग चाहिए हम का चुम बोते हैं ना मेरे प्लॉट हम कहे तो खुद अगर तब ब्याह लिया तोड़ी का पछा मूंगरी से थोड़ा पछा है तो ब्याह लिया तोड़ी का पछा मतलब क्यों पछा मतलब पहले एक तो पहले भेजे नहीं ना वो तो सीजन चल गया अरे बाद होंगी कि बाद से थोड़ा तो तब बने मैं 14 बने और बहुत मेहनत हूँ मेहनत करें तो घर में नहीं जा और काम भी नहीं चलो ये कमरा नाश्ता बनाना काम सब ज़्यादा काम नहीं घर में तो बहुत काम हो जाता हम सुबह जल्दी उठ जान चाहे तब हम पहले मुंगर चोले रात चोल दें फिर भिजाएं सुबह सिलोटम लगे रहना तो सिलोटम मतलब हम घर में तमीन बनाना चाहिए जान एक अखंड दुई मुंगरी रोटी और एक उन खाली रोटी है बांट एक दिन अच्छा है क्योंकि मेहनत बने लगी चाहे तो बड़ो काम और काम भी चाहे और काम भी करूँ चाहे पर खूब खान चाहे घर में मुंगरी रोटा खूब मजा मारे सर बस गा मुंगरी का रोटा खाने से अरे तब रिक भी तांदी मुंगर खाना करना हाँ बस गा रिक खुद देखो चमार रिक देखो चमार खुद मुंगर खाए सुबह ले उठो जान तो अब जान चाहो मुंगर मुंगर खाए मुंगर ले तो उठा जान चाहो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हमने मक्की की रोटी पकाई यानी कि जो हमारे गढ़वाली बोली में बोलते हैं मुंगरी का रोटा तो इस तरह से हमने मक्की की रोटी पकाई और आप भी घर पे जरूर करना बिलीव मी ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ज्यादा पौष्टिक है शरीर के लिए भी और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड के पकवान है इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए और कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें और आप भी इसको घर में जरूर ट्राई करिएगा धन्यवाद।